नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग स्वतंत्रता और अवकलनीयता का लेक्चर नंबर 11 आज करेंगे, ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चन 5.5 एक्सरसाइज का आगे का क्वेश्चन चलेगा। इसके पिछले लेक्चर में 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग लेते हैं बिना वेस्ट किए टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 बाबू आपका क्या है कि 1 प्लस एक्स के पावर एक्स, क्लियर। क्या है बाबू क्वेश्चन कि 1 प्लस 1 अपॉन x के पावर x प्लस एक्स एक के पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। क्वेश्चन ये है, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर x है, ठीक है, और x के पावर 1 प्लस 1 अपॉन x है ना। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, क्लियर। तो देखिए क्या करना है कि पिछले लेक्चर में बताए थे कि ऐसे फलन जो पावर में चढ़े हो, जो दो वेरिएबल हो या एक ही वेरिएबल हो लेकिन दो जगह पावर में चढ़ा हो, तो ऐसे वेरिएबल को हम बिना लॉग लिए सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, ठीक है ना, दोनों पक्षों में। तो मान लीजिए कि यह जो है वाई का फंक्शन है, 1 अपॉन 1 प्लस x के पावर x प्लस एक्स के पावर 1 प्लस 1 अपॉन x है ना। क्या लेंगे, टेकिंग लॉग, सॉरी, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे बाबू, लॉग ले लेंगे, है ना। तो लॉग लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, लॉग वाई, ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस 1 अपॉन x के पावर x प्लस लॉग एक्स के पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, क्लियर। देखो अब ये जब लॉग लोगे तो m के पावर n जब होता है तो यह पावर क्या हो जाता है, आगे आ जाता है ना। तो यह पावर आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x log 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस, यहाँ देखो इसके पावर ये चढ़ा हुआ है, इसका मतलब यह वाला पावर क्या होगा, आगे चला आएगा। तो यह हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x log x, क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या कर सकते हैं, इसके बाद और तो कुछ करना है नहीं, करेंगे क्या, बस अवकलन कर देंगे। अभी भी अगर कुछ गुणा भाग में हो तो ले सकते हैं, लेकिन गुणा भाग में वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब क्या है, यह m डॉट n का फंक्शन है और यह भी m डॉट n का फंक्शन है, इसका मतलब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो लॉग लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y dy/dx, ये बहुत अच्छे समझा दिए। अगर कोई दूसरा वेरिएबल हो तो उसका तो डिफरेंशिएशन होता ही है, साथ में साथ उस वेरिएबल का भी एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन होता है। उसके बाद यहाँ पर देखो एम डॉट एन है ना, तो पहले को छोड़ो और दूसरे का अवकलन लॉग 1 प्लस 1 अपॉन x, और फिर इसको प्लस लगा के फिर दूसरे को छोड़ना है, फिर पहले का अवकलन, क्लियर। तो दूसरा क्या है, लॉग 1 प्लस 1 अपॉन x, इसको छोड़ देंगे और अवकलन किसका करेंगे बाबू, x का, किसका करेंगे, क्लियर। ये वाला फंक्शन इतने में हमारा कवर हो गया। इसके बाद बाबू फिर यह फंक्शन है, इसका भी अवकलन ऐसे ही करना है, पहले इसको करना है, इसको छोड़ देना, फिर इसको करना है, इसको छोड़ देना, क्लियर। तो यहाँ पे बाबू आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन x पहले छोड़ देते हैं, ठीक है, और अवकलन किसका करेंगे, सेकेंड वाले फंक्शन का। तो यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स d/dx लॉग एक्स, क्लियर, d/dx log x प्लस क्या हो जाएगा बाबू, देखो अब इस वाले फंक्शन को छोड़े थे, इसका अवकलन किए थे, अब इसको छोड़ेंगे और इसका अवकलन करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे log x छोड़ देंगे और d/dx करेंगे किसका, 1 प्लस 1 अपॉन x का, बात समझ में आ रही है। तो यह जो फंक्शन है इसका अवकलन इतना बड़ा होगा, दिख रहा है ना, इसका अवकलन किए, पहले को छोड़े, दूसरे का अवकलन किए, फिर प्लस करके फिर दूसरे को छोड़े और पहले का अवकलन किए, और फिर उसके बाद दूसरे फंक्शन में आए तो इस फंक्शन में भी क्या किए, पहले को छोड़े, दूसरे का अवकलन किए, फिर दूसरे को छोड़े और पहले का अवकलन कर लिए, क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है अवकलन कर लेते हैं इसका, है ना, d/dx log 1 प्लस 1 अपॉन x, जरा सोचो d/dx log 1 प्लस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो यह तो इसका फंक्शन है लेकिन फंक्शन क्या हुआ है, बिगड़ा हुआ फंक्शन है कि नहीं है, log x होता तो बना हुआ फंक्शन होता लेकिन ये बिगड़ा हुआ फंक्शन है, कोई बात नहीं, ये तो इसका डिफरेंशिएशन ही होगा, लेकिन श्रृंखला नियम के हिसाब से अगर इनपुट बिगड़ा हो तो उसका भी अलग से अवकलन कर लेते हैं। तो 1 का अवकलन 0 होगा और 1/x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x का अवकलन ये कितना हो जाएगा, x² है ना, x², क्लियर, नीचे एक पावर बढ़ जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन x × 1 अपॉन x², बात समझ में आई। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो डायरेक्ट इतना लिख दें, बात समझ में आई ना, कैसे आ रहा है। तो चलो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, इधर करते हैं,
यहाँ देखो ये इधर तो वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स ही है, तो इधर क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वन प्लस वन अपॉन एक्स। तो वन प्लस वन अपॉन एक्स इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, वन अपॉन वन प्लस एक्स है ना, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको चाहे तो यहाँ पे तोड़ के छोटा भी कर सकते हैं, क्लियर। छोटा कैसे कर सकते हैं, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, क्लियर। ये कैसे होगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना, मतलब हमको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अब बात करते हैं इसकी, तो इसकी जगह पे बस इतना रख लिया जाए तो कोई दिक्कत है बाबू, अलग से सॉल्व कर सकते हैं ना, डायरेक्टली इसको रख सकते हैं, लॉग वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन रख सकते हैं ना, तो इसको उठा के इसकी जगह पे रख लेते हैं, और एक्स ऐसे ही है तो एक्स ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ हो जाएगा लॉग वन प्लस वन अपॉन एक्स, इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, और इसके बाद फिर प्लस है, प्लस के बाद इसको छोड़ना है, और x का अवकलन तो 1 होता है ना, तो यह पूरा का पूरा वैल्यू ऐसे कैसे लिख दिया जाएगा, log 1 प्लस 1 अपॉन x। देखो ये पहला वाला क्लियर हो गया, इसके बाद फिर क्या करेंगे दूसरा वाला करते हैं, इसमें देखो log x का अवकलन 1 अपॉन x क्या होगा 1 अपॉन x, और यह वैल्यू क्या मिलेगा हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। जब इस 1 अपॉन x को एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन को अलग से कर लेते हैं, ठीक है, x प्लस वन अपॉन एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया है क्या, थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ देखिए x है ना, तो x बन जाए x है ना, तो x प्लस वन अपॉन एक्स होगा, ठीक है, x प्लस वन अपॉन एक्स, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, x प्लस वन अपॉन एक्स के पावर x हो जाएगा, ये x ऊपर जाएगा तो यहाँ मिलेगा x अपॉन x प्लस वन इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एस, क्लियर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है ना, क्या मिलेगा वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखो x प्लस वन अपॉन x है ना, ये x ऊपर गया, एक x ऊपर से नीचे काट लिया, और उसके बाद बचा क्या हमारे पास x वन अपॉन x इंटू एक्स प्लस वन बचा, क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप लोग, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फंक्शन x इंटू एक्स प्लस वन, क्लियर, और उसके बाद फिर उसी तरह आगे करेंगे, तो यहाँ तो वन x प्लस वन अपॉन x होगा, और यह भी 1 अपॉन एक्स होगा, तो कितना मिलेगा x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर। इसके बाद देखो जब इसका अवकलन करेंगे तो सीधे सीधे इसका अवकलन 0 और इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या मिलेगा हमको log log x इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, बात समझ में आ रही है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, तो इसमें देखो x से x कट गया, ठीक है, क्या बचा वन अपॉन एक्स प्लस वन, इधर क्या बचा log वन प्लस वन अपॉन x, और इधर क्या बचा x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे बचा log x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको एक बार और लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस log वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें कोई भी जो है इस फंक्शन में हम अब क्या कर सकते हैं, ये वाला वाई उधर लेके जाएंगे है ना, और कुछ तो कर नहीं सकते इसमें है ना, कुछ दिख रहा है कटने पिटने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं, तो चलो y को उधर लेके चले जाते हैं, तो हमको क्या मिलेगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस लॉग वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, बात समझ में आई। अब y की क्या करना है, वैल्यू रख लेना है, तो हमें y की वैल्यू रख लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आंसर, देखो y की वैल्यू क्या माने थे 1 प्लस वन अपॉन एक्स का होल पावर x,
और x की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो रख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x का पावर x प्लस x 1 प्लस 1 अपॉन x, क्लियर। अंदर क्या आ जाएगा बाबू 1 प्लस x प्लस 1 है ना, प्लस log 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस, बाबू जगह नहीं मिल रहा है तो इसको जो है हम लोग नीचे कर लेते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। देख लो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x के पावर x प्लस x के पावर 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस log 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, बात समझ में आ रही है। हम क्या लेंगे लॉग लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, बात समझ में आ रही है ना, कोने तक दिख रहा है। तो अब यहाँ पे नहीं भी दिख रहा होगा तो जो वैल्यू हम लगातार लिखते चल रहे हैं वही लिखें, समझ में आ रहा है ना। तो ये बात बाबू फंक्शन क्लियर हो गया। इसका अवकलन कैसे होगा, तो दोनों पक्षों में पहले क्या लेंगे लॉग लेंगे, लॉग लेते इसका पावर जो है आगे आ जाएगा, दो वेरिएबल एम डॉट एन वाला फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और उसका एक एक करके जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारी वैल्यू ये वाली मिलने वाली होगी, बात समझ में आ रही है। चलिए इसको लेके अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 वाला, क्या है बाबू क्वेश्चन नंबर 7 में कि log x के पावर x प्लस x के पावर log x, बिल्कुल वैसे ही है, log x के पावर x प्लस x के पावर log x, जैसे पहला बताया है डिटो वैसा ही है क्वेश्चन, है ना। क्या करना है दोनों पक्षों में log ले लेना है, और log लेके क्या करना है सॉल्व कर लेना है, बात क्लियर। तो इसको क्या करना है लॉग लेना है बाबू, तो कर दिया जाए इस फंक्शन को। देखो क्या करेंगे, पहले तो ये फंक्शन किसी अलग वेरिएबल की वैल्यू मानेंगे, ठीक है ना, अलग वेरिएबल की वैल्यू, जैसे y बराबर क्या होगा लॉग x के पावर x प्लस x के पावर लॉग x, क्लियर। हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, इधर हो जाएगा लॉग वाई और इधर हो जाएगा लॉग लॉग एक्स के होल पावर एक्स प्लस लॉग एक्स के पावर लॉग एक्स, बात समझ में आई, क्लियर। यहाँ लॉग लॉग एक्स के पावर एक्स लॉग एक्स के पावर लॉग एक्स, अब देखो पावर जब चढ़ा है तो पावर चढ़ने का मतलब क्या हो गया कि लॉग एम के पावर एम एन चढ़ा है, तो इसकी क्वालिटी यही ना होती है जैसे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए। तो अब इसकी क्या हो जाएगा, पावर हटा लेते हैं, इधर हो जाएगा लॉग वाई बराबर एक्स, आगे आएगा एक्स लॉग लॉग एक्स, बात समझ में आई, और इधर लॉग एक्स आगे चला आएगा तो यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, बात समझ में आई, लॉग एक्स इंटू क्या हो जाएगा log x, क्लियर। अब देखो इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अवकलन कर देंगे, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, है ना, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे बाबू तो इधर हो जाएगा 1 अपॉन y dy by dx, क्लियर, और इधर क्या हो जाएगा x छोड़ दो इसका अवकलन, फिर इसको छोड़ दो x का अवकलन, क्योंकि m इंटू एन का प्रोडक्ट है ना, बात समझ में आ रही है। और दो मल्टीपल में अगर दो वेरिएबल हो तो उसका अवकलन कैसे होता है, ठीक है ना, पिछले जैसे। तो देखो यहाँ x को छोड़ देंगे और अवकलन किसे का करेंगे, आगे वाले का log log x का, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसी में भी रहेंगे, उसको नहीं देखेंगे, इसी में देखो अब इसको छोड़ देंगे और इस वाले का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं लॉग लॉग एक्स को छोड़ देते हैं और अवकलन किसका करते हैं बाबू एक्स का, बात समझ में आ गई। इसके बाद फिर क्या करेंगे, ये वाली कहानी ख़त्म, यहाँ पर
इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसका अवकलन log इंटू log x इंटू log x, तो बाबू इसका अवकलन क्या होगा, फिर इसी तरह पहले को छोड़ो, दूसरे का अवकलन करो, है ना, फिर दूसरे को छोड़ो, और दोनों तो सेम ही है, d बाई डी एक्स लॉग एक्स। बात समझ में आ गई। देखो इधर क्या किए, पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन, फिर यहाँ पे दूसरे को छोड़े पहले का अवकलन, यहाँ पे देखो log log x दोनों सेम ही है, log x log x, तो मान ले कि यह फर्स्ट वेरिएबल है ये सेकेंड वेरिएबल, तो पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़े और पहले का अवकलन कर दिए, है ना। तो अब यहाँ से बाबू क्या मिलेगा, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो ये लॉग लॉग एक्स है ना, तो पहले तो लॉग इफेक्ट डालेगा, इस लॉग एक्स को नीचे चलाएगा, और फिर श्रृंखला विधि के हिसाब से अगर किसी भी लॉग का साइन का टेन का अगर इनपुट बिगड़ा है तो श्रृंखला विधि के हिसाब से जस्ट उसके आगे ही मल्टीपल में उसका भी अवकलन कर देते हैं ना एक्स के सापेक्ष। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वन अपॉन लॉग एक्स, बात समझ में आई, log log x का अब log इफेक्ट डालेगा तो यह इसके लिए वेरिएबल आके नीचे आ गया, फिर log x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन x, बात समझ में आ रही है ना ये वाली। इसके बाद क्या करेंगे, आगे देखो log इंटू log x, क्लियर, और देखो d बाई डी एक्स एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 ही होता है ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बात समझ में आई। इसके बाद आगे प्लस log x d बाई डी एक्स log x, तो क्या हो जाएगा log x अपॉन x, इसका अवकलन x 1 अपॉन x होता है, प्लस फिर वही कहानी यहाँ भी है, तो ये भी हो जाएगा log x अपॉन x, बात समझ में आ रही है। अब देखो इसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे पोर्शन में इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं ना। अब क्या होगा कि इसका अवकलन तो हो चुका है, अब बस इसके वेरिएबल को एक पास इकट्ठा करके जो कटता है काट लो, जो जुटता है जोड़ लो, और उसके बाद उसको एक साथ रखो। देखो x से x कट गया, और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा ना, तो यहाँ पे बचा क्या, 1 अपॉन log x प्लस log log x, और यहाँ क्या बचा, log x नीचे x और x, चलो लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर हो जाएगा 1 अपॉन log x प्लस log log x, है ना, 1 अपॉन log x प्लस log log x, ठीक है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, जैसे है वैसे ही रख देंगे, लेकिन देख लो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, x x का एलसीएम ले लो, x हो जाएगा, और ये log x जुड़ेगा तो 2 log x हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 log x अपॉन x हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। और इसके बाद फिर ये y का वेरिएबल वहाँ जाके रख देंगे, अब इसमें कोई जुटने घटने वाला है नहीं, वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू वन अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग लॉग एक्स प्लस टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, बात समझ में आई। अब फिर y की वैल्यू उठा के रख दो, ठीक है, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, log x के पावर x, x के पावर log x, तो यहाँ क्या मिलेगा, dy वाई बाई डी एक्स बराबर log x के पावर x प्लस x के पावर log x, और ब्रैकेट में फिर जो वैल्यू हमारे पास आई है उसको रख लेते हैं, log x प्लस log log x प्लस 2 log x अपॉन x, बात समझ में आ रही है, यही हमारी क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 दोनों सेम टू सेम वैसे ही था, ठीक है ना, इच्छा थी छोड़ने की लेकिन कर दिए, है ना, एक क्वेश्चन छोड़ने की इच्छा थी लेकिन कहें कि चलो कर देते हैं ना। इसके बाद देखो ऐसे ही लाइन से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ना, समझ में आ रहा है ना बाबू, लॉग कैसे लेते हैं फंक्शन में, लॉग कैसे लेते हैं, और अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, बात क्लियर, एकदम आसान क्वेश्चन है ये सब, लॉग लेने वाला, और एग्ज़ाम में ये सब आता भी है ना, लॉग लेने वाला क्वेश्चन का आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर अवकलन में से आएंगे तो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, जस्ट इसके बाद वाला 8 क्या है, साइन एक्स के पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, देख लो क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, साइन एक्स के पावर एक्स है, ठीक है ना, साइन एक्स के पावर क्या है, एक्स है, एक वेरिएबल के पावर दूसरा वेरिएबल चढ़ा है,
और इधर साइन इनवर्स रूट एक्स है, इसका मतलब कि ये साइन इनवर्स एक्स नहीं है, इसका इनपुट बिगाड़ा हुआ है ना। तो इनपुट जब भी बिगाड़े तो श्रृंखला विधि लगाना है, और जब भी यहाँ पावर में जब चढ़ जाए तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको लॉग लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, क्लियर। तो अब इसका हम क्या करते हैं, लॉग लेके सॉल्व करते हैं। बात देखो, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको तो लॉग लेंगे है ना, तो लॉग लेंगे तो इसमें भी लॉग लेना पड़ेगा। बात समझ में आई, क्योंकि अगर बाहर बाहर लॉग लेते हैं तो इसमें और इसमें दोनों में लॉग चलेगा है ना। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, y बराबर साइन एक्स के पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, ये है ना, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्लियर। लेते हैं, इधर हो जाएगा क्या, log y और इधर log साइन x के पावर x, और प्लस देखो log इसमें भी लग जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स में, क्लियर। क्या हो जाएगा, log साइन x के पावर x प्लस log साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। यहाँ पे अब क्या करेंगे, और कुछ कर सकते हैं, हाँ देखो पावर है आगे ले लें है ना, एक स्टेप और चलें और यहाँ ले लें log y बराबर x log साइन x प्लस log साइन इनवर्स रूट एक्स, बात क्लियर। अब देखो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो तो इधर हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, या देखो फिर m इंटू एन, इस पूरे वेरिएबल को क्या ले लो, एक नया वेरिएबल n, और इसको क्या ले लो m है ना, तो m डॉट n प्रोडक्ट क्या होगा, पहले को छोड़ना है दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ना है पहले का अवकलन करना है, क्लियर। तो पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन कर दिए log साइन x, क्लियर। फिर इसी में आते हैं, दूसरे को छोड़ो और पहले का अवकलन कर दो, चलो ये वाला कहानी खत्म, इसका आ गया, इसका प्रोडक्ट बन गया ना। कैसे करना है, इसके बाद फिर यही करना है इसमें भी। तो यह तो क्या है कि लॉग की इनपुट बिगड़ी है ना, यह तो पूरा का पूरा जो श्रृंखला विधि है वही लगने वाला है, इसमें m डॉट n दो प्रोडक्ट नहीं है, इसमें क्या है लॉग का इनपुट बिगड़ा है, फिर साइन का भी इनपुट बिगड़ा है। तो कैसे बताए थे, पीछे से u भी मानते चलते हैं ना, तो इस पूरे फंक्शन को पहले तो इसको u मान लो, फिर उस पूरे फंक्शन को v मान लो, और उसके बाद log v का डिफरेंशिएट v के सापेक्ष कर दो, है ना, बताए थे ना बाबू। तो इसको देखना होगा तो पिछले वे लेक्चर में देख लेना कैसे ऐसे फंक्शन का श्रृंखला विधि से अवकलन करते थे, क्लियर। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स, क्लियर। ये पूरा का पूरा फंक्शन एक नया वेरिएबल माने थे, वो आ गया नीचे, फिर साइन इनवर्स रूट एक्स का अवकलन करने के लिए इस रूट एक्स को यू मानेंगे, क्लियर। चलो इधर कर ही देते हैं, इसको कर ही देते हैं, लॉग साइन इनवर्स रूट एक्स, देख लो क्या करना है इसमें, पहले रूट एक्स को यू मान लो है ना, और यू के साथ साइन इनवर्स यू को वी मान लो, क्लियर। साइन इनवर्स यू को क्या मान लेते हैं, वी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यह फंक्शन अब कैसा दिखेगा हमको, लॉग वी दिखेगा ना, लॉग वी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, अब लॉग वी का वी के सापेक्ष अवकलन, यह क्या हो जाएगा, डी बाई डी वी लॉग वी, अब वी को रखो, वी क्या लिए थे साइन यू, तो इसको क्या करेंगे, डी बाई डी यू साइन इनवर्स यू, और फिर यू भी अभी एक्स का फंक्शन बचा हुआ है, तो डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई, यह पूरा श्रृंखला विधि दिख रहा है ना, v से किए v को, u से किए u को, और x से किए x को, बात क्लियर है ना। एकदम सिंपल विधि है करने का, बहुत आसान श्रृंखला विधि है ये, एकदम समझ में आएगा। u माने हैं रूट एक्स को, फिर यहाँ पर रूट एक्स की जगह u लिख दिए, तो यह किसको मान लिया, एक नया वेरिएबल v को, अब जैसे v माने तो यह पूरा फंक्शन v हो गया, इसकी जगह पे v हो गया, तो log v दिख रहा है ना, तो log v का डिफरेंशिएट, फिर v को रखो u के सापेक्ष, फिर u को रखो x के सापेक्ष, बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v होगा ना, 1 अपॉन v, और फिर साइन इनवर्स u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 अपॉन रूट 1 माइनस u स्क्वायर होगा ना, वेरिएबल क्या है, u है, और फिर रूट x का डिफरेंशिएशन करोगे तो रूट 2 रूट x, ये मिलता है ना, बात क्लियर। तो अब यहाँ पे v की u की सबकी वैल्यू रख लेते हैं, v क्या है,
साइन इनवर्स यू, यू क्या है रूट एक्स, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई में ही है, वन अपॉन रूट वन प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर या माइनस है, फिर इंटू वन अपॉन टू रूट एक्स, ये मिलेगा ना, बात क्लियर। इस फंक्शन का आकलन कर रहे हैं, किधर गया इसका वाला, दिख रहा है ना कैसे हो रहा है श्रृंखला विधि वाला। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा, क्लियर। मतलब यही फंक्शन हमको यहाँ लिखना है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यही वाला फंक्शन हमको यहाँ पर लिखना है, क्लियर। लॉग साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, साइन इनवर्स रूट एक्स तो नीचे लिख चुके हैं, अब यह हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स मिलेगा, और इसमें लगा दो रूट, क्लियर। और उसके बाद हो जाएगा टू रूट एक्स, या किसका अवकलन हो गया, लॉग साइन इनवर्स एक्स का, किसका अवकलन हुआ बाबू, लॉग साइन इनवर्स एक्स का, एक के बार में अवकलन कर दिए, बात समझ में आ रही है। अब देखो इसका अवकलन करते हैं, तो इधर हो जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स, साइन नीचे आएगा फिर साइन का अवकलन, है ना, साइन नीचे आएगा फिर साइन का अवकलन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या होगा कॉस एक्स, फिर यहाँ पे लॉग साइन एक्स और डी बाई डी एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा वन, क्लियर। इसके बाद फिर प्लस वन अपॉन साइन इनवर्स एक्स इंटू वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स इंटू वन अपॉन टू रूट एक्स, क्लियर। अब देखो और कुछ कर सकते हैं क्या, ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉट एक्स, तो एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, है ना, प्लस वन अपॉन साइन इनवर्स एक्स, और यह जो वैल्यू है वैसे वैसे ही लिखते चलेंगे, वाई को भी इधर ही ले लेते हैं, है ना, तो यहाँ क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, वाई की वैल्यू क्या है बाबू, साइन एक्स के पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स के पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, फिर ब्रैकेट में जो वैल्यू मेरे पास है पूरी की पूरी रख दो, या देखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होगा कॉट एक्स, तो एक्स कॉट एक्स मिलेगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है साइन एक्स, फिर प्लस वन अपॉन साइन रूट अंडर इनवर्स रूट एक्स इंटू वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स इंटू वन अपॉन टू रूट एक्स, यह हमारा क्या हो जाएगा टोटल का टोटल आंसर हो जाएगा, दिख रहा है इतना बड़ा आंसर, समझ में आया कि नहीं आया बाबू, क्या करना है, दिख रहा है ना बाबू, क्लियर। तो देखो क्या करना है कि पहले क्या करेंगे एक बार और समझ लेते हैं, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, है ना, दोनों पक्षों में क्या करेंगे लॉग ले लेंगे, या देखो यह जो है इस क्वेश्चन का अलग रूप है ना, इसको बता दिए हैं कैसे श्रृंखला विधि सॉल्व होता है, बस इसको देख लेना क्योंकि पहले भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं श्रृंखला विधि वाला, ठीक है ना। तो देखो दोनों पक्षों में क्या करेंगे लॉग ले लेंगे, इधर हो जाएगा लॉग वाई, इधर हो जाएगा लॉग साइन एक्स के पावर एक्स, और यह क्या हो जाएगा लॉग साइन इनवर्स एक्स, यहाँ तो प्रोडक्ट बाबू मिल गया एम डॉट एन का, है ना, पहले का पहले को छोड़ दो दूसरे का अवकलन करो, फिर दूसरे को छोड़ दो पहले का अवकलन करो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलने वाला था नहीं, क्योंकि जब तक इनपुट ना रहे तब तक वह अलग वेरिएबल नहीं बनता है, ना तो इसका इनपुट ना ही इसका इनपुट, यहाँ पे जाके इनपुट मिला एक ही मिला है, तो इसका मतलब यह सब किस में है श्रृंखला रूल में, है ना, चैन रूल में, तो चैन रूल का अवकलन बात समझ में आ गई कैसे हुआ, बात क्लियर है ना, फंक्शन एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है बाबू। चलो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, एक लाइन से करते चलते हैं सारे क्वेश्चन, क्लियर। तो x के पावर साइन x प्लस साइन x के पावर कॉस x, वो बताओ ये कर लोगे क्या, क्वेश्चन बढ़िया है अच्छा है कर सकते हो ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, क्वेश्चन नंबर 9 है x के पावर साइन x प्लस साइन x के पावर कॉस x प्लस साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, क्लियर। क्या दिख रहा है कि
कि इसमें दो दो वेरिएबल हैं जो पावर में चढ़े हुए हैं। अगर पावर में एक वेरिएबल की पावर दूसरा वेरिएबल चढ़ा हुआ है, इसका मतलब हमें लॉग तो लेना ही पड़ेगा, कंफर्म है। लॉग लेंगे तभी यह दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, है ना। और यहाँ भी वही कंडीशन है, इनपुट लगा हुआ है, इसका भी इनपुट है मेरे पास, तो इसका मतलब पावर में पावर वेरिएबल चढ़ा है, तो इसको भी क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो एग्ज़ाम में समझना है कि क्वेश्चन किस में लॉग लेना है, क्लियर। एग्ज़ाम में क्या समझना है कि किस किस क्वेश्चन में लॉग लेना है। तो जहाँ भी वेरिएबल, दो से अधिक वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में है तो भी लॉग लेना है, अगर एक के एक वेरिएबल के पावर दूसरा वेरिएबल चढ़ा है तो भी क्या करना है, लॉग लेना है। तो इस दोनों चीज़ों को ध्यान से याद रखना है ना, बात समझ में आई। एक वेरिएबल की पावर दूसरा वेरिएबल चढ़ा है तो भी लॉग लेना है, और ऐसे चढ़े हुए दो वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में है तो भी लॉग ही लेना है, क्लियर। जब भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिखे तो क्या करना है, लॉग लेके इसको सॉल्व करना है, ताकि उसको छोटा कर दे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करते हैं। y मान ले या फंक्शन जो है x के पावर साइन x प्लस साइन x के पावर cos x, क्लियर। इस फंक्शन का हमको क्या करना है, अवकलन निकालना है x के सापेक्ष, क्लियर। तो अब देखो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर लॉग ले लेते हैं, इधर हो जाएगा लॉग वाई और यहाँ लॉग एक्स के पावर साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, है ना। लॉग लोगे तो पावर चढ़ा हुआ फंक्शन ठीक लॉग के आगे मल्टीप्लाई में चला आता है, तो यहाँ हो जाएगा लॉग वाई बराबर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, बात समझ में आ रही है। अवकलन अब करना है, ठीक है ना, क्योंकि अब सारे फंक्शन अलग अलग इनपुट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई में या प्लस में हो चुके हैं, अब इसका हम लोग अवकलन कर सकते हैं, सीधा साधा दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई क्या डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, फिर वही फंक्शन m डॉट n का, पहले को छोड़ो दूसरे का वेरिएबल, दूसरे का अवकलन दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन, क्लियर। तो यहाँ देखो पहले को छोड़ दिए, दूसरे का अवकलन कर दिए, फिर प्लस दूसरे को छोड़ दिए, पहले का अवकलन कर दिए, समझ में आया, पहला वाला ख़त्म। फिर बचा ये वाला, इसका भी यही काम करेंगे, क्योंकि यहाँ भी देखो दो ऐसे फंक्शन दिख रहे हैं, दो ऐसे वेरिएबल दिख रहे हैं जिनके साथ अलग अलग इनपुट लगा हुआ है, भले ही एक ही वेरिएबल हो, मतलब कि इसके पास जो इनपुट है वो एक ही टाइप का हो, लेकिन फिर भी अलग अलग दिख रहा है ना, इसका मतलब या अलग फंक्शन हो गया या अलग हो गया, तो दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे, पहले को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे, और दूसरे को छोड़ेंगे तो पहले का अवकलन करेंगे। तो देखो बाबू पहले को छोड़ दिए, दूसरे का अवकलन कर दिए, लॉग इंटू साइन एक्स प्लस, फिर दूसरे को छोड़ देना है, लॉग इंटू साइन एक्स और पहले का अवकलन कर देना है, समझ में आया। सारे क्वेश्चन ये लंबे लंबे जा रहे हैं ना, क्योंकि अवकलन करेंगे तो जाहिर सी बात है वो मल्टीप्लाई को प्लस में करेगा, लंबा होगा ही, और अगर ऐसे दो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई मिले तो ये और लंबा होने वाला है ना। तो देखो अब इसका अवकलन करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो लॉग एक्स का अवकलन करेंगे 1 अपॉन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया, है ना। इसके बाद फिर क्या करेंगे, लॉग एक्स इंटू साइन थीटा लिख दिए, देखो साइन एक्स होगा ना, क्लियर। तो यहाँ देखो लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स होगा, क्या होगा बाबू, कॉस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, बात समझ में आ रही है। इसके बाद फिर प्लस करेंगे
प्लस करके इसमें कर देंगे कॉस एक्स और लॉग साइन एक्स। देखो इसका क्या करेंगे, पहले इनपुट का अवकलन तो यह हो जाएगा वन अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या मिलेगा कॉस एक्स इंटू वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मिला ना बाबू, समझ में आया कैसे हुआ? ये लॉग साइन एक्स का लॉग का अवकलन करेंगे, इनपुट पूरा ला के नीचे पटक देगा वन अपॉन एक्स टाइप में, तो वन अपॉन साइन एक्स हो गया। फिर इस साइन एक्स का भी तो अवकलन करना है चैनल के हिसाब से, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स। बात समझ में आई? इसके बाद देखो बाबू, फिर फंक्शन क्या करेंगे, लॉग साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो यह जो है आके इसमें क्या हो जाएगा इफेक्ट डालेगा, तो यहाँ प्लस जो होगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। देखो यह जो है अलग वेरिएबल, यह इसका इनपुट है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई मत कर लेना, ठीक है ना? तो साइन एक्स इंटू लॉग क्या हो जाएगा साइन एक्स। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं इसमें, और इसको छोटा कर सकते हैं, हाँ, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉट एक्स, और कुछ कर नहीं सकते इसमें, तो मतलब बस वाई की वैल्यू इधर ला कर रख दो और जो हमारा आंसर आने वाला होगा यहीं पे होगा। बात समझ में आ रही है? तो डी बाई डी एक्स वाई की वैल्यू रखते हैं, तो वाई बराबर क्या है हमारा एक्स के पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स के पावर कॉस एक्स रख लिए, और उसके बाद यह जो वैल्यू है सारे के सारे हाँ, तो देखिए बाबू dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स इंटू के पावर कॉस एक्स। तो देख लो ये दिख नहीं रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है ना? इसके बाद जो करना है, यहाँ तक दिख रहा है ना, इसके बाद हम लोग ऊपर ही कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, क्वेश्चन मिटा देते हैं। यहाँ से फिर ऊपर लिखते हैं, यह वाली y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, वाई कितना है हमारे पास, y कितना था, y इक्वल टू था x के पावर साइन x प्लस साइन x के पावर cos x, तो रख लेंगे x के पावर साइन x प्लस साइन x के पावर cos x, ठीक है? और फिर अंदर जो वेरिएबल मेरे पास बचा हुआ है उस पूरे फंक्शन को हम लिख लेंगे, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है? फिर प्लस ये देखो कॉट एक ठो बना लेगा कॉट, है ना? ये क्या हो जाएगा एक बना लेगा कॉट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है? और फिर माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है? माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आ रही है? क्या किए थे इसका वही काम, लॉग एक लिए, लॉग लिए तो लॉग लेने से साइन आगे आ गया था और इधर कॉस आगे आ गया था, लेकिन यह प्रोडक्ट बड़ा दिख रहा है ना, पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर इसका भी क्या करना है अवकलन श्रृंखला विधि से करो, इसलिए थोड़ा सा लंबा चला गया है। लेकिन बाबू नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन जब बनाएंगे आप लोग तो बहुत आसान लगेगा, देखने में ऐसा लग रहा है इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, लेकिन जब इसको बनाएंगे ना तो फ्लो फ्लो में बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा ये सब, ठीक है ना? एकदम एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चन ये बनते चला जाता है लॉग एक्स वाले फंक्शन जितने होते हैं, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, लॉग एक्स लॉग लेने वाले फंक्शन में बहुत आसान होता है ये सब प्रोसेस करना, ठीक है? जब आप लोग अपने से करेंगे कॉपी पेन उठा के तो बहुत आसान लगेगा, एक के बाद एक अपने आप होते जाएगा, जैसे जैसे पढ़ाए हैं वैसे वैसे होते जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया 10, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना, चलिए 10 लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, दस नंबर क्वेश्चन है x के पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना? मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका x के पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स दिख रहा है, इसमें दो दो वेरिएबल ऊपर ही मल्टीप्लाई में है, है ना, और उसके बाद से एक और मल्टीप्लाई में फंक्शन आ जाएगा, बात समझ में आ रही है, तो x के पावर x cos x, बात समझ में आई, इसका क्या करेंगे, log ले लेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे बाबू, log ले लेंगे, है ना, पहले ही log ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, पहले तो ये लिखेंगे y बराबर x के पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर माइनस वन, है ना, इसका log लेते हैं दोनों पक्षों में, log लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में log ले लिए, तो इधर हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x के पावर x cos x प्लस log x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर माइनस वन। देखो बाबू इक्वेशन मज़ेदार बन रहा है, ठीक है ना, पहले तो यह देखो पावर है तो पावर पहले आगे कर लो, और इधर देख लो, अगर बाबू m अपॉन n है, log m अपॉन n है, तो इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी, या इसको माइनस में कर देता है ना, log m माइनस log n, क्लियर, तो यहाँ देखो यहाँ पे हो जाएगा log y इज इक्वल टू x cos x log x, x cos x log x, देख लो एक वेरिएबल दो वेरिएबल तीन, दो से अधिक मिल गए, है ना, दो से अधिक, अब इसका कैसे अवकलन करेंगे, तो यहीं पे बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस log x स्क्वायर प्लस वन माइनस log x स्क्वायर माइनस वन, यहाँ तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत कहाँ है बाबू, इसमें, है ना, x cos x log x, है ना, ऐसे फंक्शन का क्या अवकलन होगा, ठीक है बाबू, तो इसके जब जब दो से अधिक वेरिएबल मिलते हैं तो उसका अवकलन बाबू एकदम अच्छे से लिख लो, ठीक है ना, अगर बाबू तुमको दिखता है d बाई डी एक्स यू वी डब्ल्यू, ऐसा फंक्शन है, देखो तीन है ना, तीन फंक्शन है ना, तीनों के साथ इनपुट लगा हुआ है, तो इसका मतलब तीनों को अलग अलग हमको एक ही साथ क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है d बाई डी एक्स, तो u v और w इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है ना, तो इसको पहले करते हैं d u बाई डी एक्स और v w को छोड़ देते हैं, बात समझ में आई, u को डिफरेंशिएट करते हैं और u क्या फंक्शन है, x वाला ही फंक्शन दिख रहा है, तो u का डिफरेंशिएट करते हैं और v w क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और फिर बाबू u को छोड़ देते हैं इधर, u को छोड़ देते हैं और v का डिफरेंशिएट करते हैं और फिर w को छोड़ देते हैं, समझ में आ रहा है, अब फिर यही सीरीज आगे चलता है, इधर u और v को छोड़ देते हैं और d बाई डी एक्स w का कर देते हैं, समझ में आया ना, अगर तीन तीन वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में है और तीनों के साथ इनपुट लगा हुआ है तो ये श्रृंखला विधि तो होंगे नहीं, चैन रूल, ये क्या हो जाएगा, अलग अलग इनपुट वाले दिख रहे हैं, तो पहले का अवकलन दोनों को छोड़ो, फिर पहले तीसरे को छोड़ो दूसरे का अवकलन, फिर पहले दूसरे को छोड़ो तीसरे का अवकलन, ठीक है ना, तो यह वाला एकदम ध्यान से याद रखना, ठीक है ना, इसके बाद देखो यही वाला फंक्शन इसमें यूज होगा, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अवकलन कर देंगे इस वाले को, है ना, इस फॉर्मूले को अलग लिख लेते हैं ताकि यहाँ आप जगह ना खाएं, ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अवकलन, x के सापेक्ष, है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लेते हैं, इधर हो जाएगा 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर, और इधर क्या हो जाएगा बाबू, हाँ आ गया ना, यही वाला बताए थे, पहले का अवकलन दोनों को छोड़ो, दोनों को ऐसे पहले का अवकलन करते हैं तो d बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को यहीं पर ऐसे ही छोड़ देना है, फिर प्लस पहले को इस पार छोड़ो और दूसरे का अवकलन कर दो d बाई डी एक्स कॉस एक्स, और तीसरे को ठीक इसके इस पार ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, फिर पहले दूसरे को छोड़ देना है और तीसरे का अवकलन कर लेना है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस x cos x इंटू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, समझ में आ गया, यह बात क्लियर है ना बाबू, इस फंक्शन का अवकलन इतना बड़ा होगा, है ना, याद रहेगा फॉर्मूला तभी हो पाएगा, क्या करना है,
पहले का आकलन करना है, आगे के दो छोड़ देने हैं, फिर पहले और तीसरे को छोड़ देना है, बीच वाले का आकलन करना है, फिर पहले दूसरे को छोड़ देना है, तीसरे का आकलन करना है ना। और उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करेंगे, इसका आकलन, यह तो आसान है बाबू, इसका क्या करना है आकलन, तो यहीं पर आगे लिख लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग वन, चलो लिख लेते हैं पहले, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, और क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्लियर, समझ में आया? अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अवकलन, है ना। देखो एकदम फोटो क्लियर है ना ये वाला, चलो आगे बढ़ते हैं इसका। यहाँ देखो तो यह क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई और डी वाई बाई डी एक्स, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ एक्स का अवकलन करेंगे, वन होगा और बचेगा कॉस एक्स लॉग एक्स, क्या बचेगा, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस, यहाँ देखो कॉस एक्स का अवकलन करेंगे माइनस साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। दिख रहा है ना बाबू, दूसरे का डिफरेंशिएशन किए हैं बस, पहले और तीसरे को ऐसे ही छोड़ दिए, फिर तीसरे बार में क्या करेंगे, पहले और दूसरे दोनों को छोड़ देंगे, x cos x को ऐसे ही छोड़ देंगे और इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन x। समझ में आया? यहाँ देखो पहला x गायब हो गया, x के सापेक्ष किए, यहाँ sin cos x हो गया sin x माइनस में, और यहाँ log हो गया वन अपॉन साइन वन अपॉन x, और ये ऐसे का ऐसे ही रह गया, ठीक है। और जब इसका अवकलन करेंगे बाबू तो log x स्क्वायर प्लस वन, देखो इनपुट बिगड़ा हुआ है ना, तो इनपुट बिगड़ा है कोई दिक्कत नहीं, श्रृंखला विधि है इसको, पहले तो इसको एक वेरिएबल मान लो और log x का अवकलन कर लो, तो log का करेंगे तो वन अपॉन जो नीचे है वो ऐसे ही रह जाएगा उसका इनपुट, है ना, वैसे ही आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में इस इनपुट का अवकलन होगा तो x स्क्वायर का अवकलन होगा तो 2x और 1 तो गायब हो गया, ठीक है ना बाबू। इसके बाद देखो फिर माइनस है, माइनस लगा लो, फिर इसका भी वही कहानी होगा, है ना, log x स्क्वायर माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, log x स्क्वायर माइनस वन है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन x स्क्वायर माइनस वन और इनटू फिर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x। बात क्लियर, समझ में आया ये लाइन, है ना, समझ में आया ना बाबू, ये लाइन समझ में आया। एक बार और देख लो, क्या किए हैं, x का अवकलन कर दिए, दोनों को छोड़ दिए, फिर यहाँ पे x को छोड़ दिए, cos x का अवकलन किए माइनस साइन x log x, ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई में, फिर x cos x ऐसे ही छोड़ दिए, log x का अवकलन किए वन अपॉन x हो गया, log x स्क्वायर प्लस वन का अवकलन किए तो वन अपॉन x स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस, फिर log x स्क्वायर माइनस वन का अवकलन किए तो वन अपॉन x स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स। समझ में आया यह बात, क्लियर है ना बाबू। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसी को जो जुटेगा जोड़ेंगे, घटाएगा घटेंगे और जो कटेगा काटेंगे, तो देखो पहले ही कट गया, x से x मल्टीप्लाई में था, कट गया, और कुछ कटने वाला है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, प्लस कॉस एक्स, यहाँ तो कट गया, और देखो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसको लिख लेते हैं ना, क्योंकि कटने वाला नहीं था, क्योंकि अगर यहाँ प्लस से यहाँ भी प्लस होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन होया नहीं तो कटेगा नहीं, तो इसका मतलब लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, प्लस है कि माइनस, माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स, फिर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। समझ में आया ये वाला पोर्शन, क्लियर। और उसके बाद क्या करेंगे, बस यही वैल्यू बचा है जो उठा के रखना है ना, ये वैल्यू उठा के रखनी है, क्लियर। तो यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं y की वैल्यू उधर ले जाके रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू मेरा फंक्शन, ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, वाई उधर गया तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू रख लो x के पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू, ठीक है, ये तो पूरी y हो गई। उसके बाद जो फंक्शन जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिख देना है एक बार और, ठीक है, sin x log x प्लस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर
माइनस वन। क्लियर, समझ में आया? यही हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। समझ में आया ना बाबू? क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन का आंसर ठीक है, क्लियर है ना क्वेश्चन बाबू? चलो इसके बाद हम लोग जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, वो इससे भी बड़ा है, इससे भी मज़ेदार है, ठीक है। ये जितने लॉग वाले क्वेश्चन है तुमको ऐसे ही लंबा लंबा खींचेगा ना, कॉपी भरेगा, कॉपी भरेगा तो नंबर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है ना, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x cos x के पावर x, x sin x के पावर 1 अपॉन x, है ना। तो अब यह क्वेश्चन में दोनों का दोनों तीन तीन वेरिएबल के साथ है, दोनों के दोनों किस में है बाबू? तीन तीन वेरिएबल के साथ है। इसका मतलब क्या करना है, इसका फिर वही वाला अवकलन करना होगा, तो और लंबा जाने वाला है ना, और लंबा जाने वाला है, तो ध्यान से देखना है, क्लियर, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है ना। तो बाबू क्वेश्चन क्या है, एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स, एक्स कॉस एक्स के होल पावर एक्स है, देखो तीन तीन वेरिएबल है ना, लॉग लगा देंगे तो एक और वेरिएबल जुड़ जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस क्या हो जाएगा बाबू, एक्स साइन एक्स के पावर वन अपॉन एक्स। बात समझ में आ रही है? बहुत मस्त क्वेश्चन दिख रहा है ना, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे बाबू, अलग अलग कर लें क्या, इसको अलग अलग कर लें ना, तो बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाने वाला है, एक ही लाइन में अट ही नहीं पाएगा, है ना। तो बाबू यहाँ क्या कर लेते हैं, इसको और इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माना क्या लिख देंगे, माना यू बराबर एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स और वी बराबर एक्स साइन एक्स के पावर वन अपॉन एक्स। देखो जितना करने वाला था एक में कर लिए, अब देखो ये हो ही नहीं पाएगा एक में, तो इसलिए अलग अलग दो वेरिएबल लेके ही करना होगा, ठीक है ना। तो चलो इसको जो है अब u को किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष, और v को भी किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष, और dy by dx निकालने के लिए इन दोनों का क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। बात समझ में आया, क्योंकि बीच में एडिशन है, क्लियर। तो यहाँ देखो पहले तो लॉग लेंगे ना इसको, क्योंकि पावर है, तो इधर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ले लो लॉग, तो इधर हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स, है ना। फिर चलो इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अवकलन, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लेते हैं, ये हो जाएगा वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, क्लियर। और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स, है ना। देख लो पहले तो यह m है, यह पूरा n ले लो, क्योंकि log का पूरा इनपुट हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, log का पूरा इनपुट हो गया। फिर जैसे ही इस इनपुट का अवकलन करोगे, फिर यह जो बाहर निकलेगा चैन रूल के हिसाब से, तो फिर यह m और n बना लेगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ध्यान से समझना है। यह पहले दो वेरिएबल लेंगे, पहले यह और यह पूरा मान लेंगे इसको सेकंड वेरिएबल, और फिर जैसे ही सेकंड वेरिएबल का अवकलन जिसमें करना होगा उसमें, फिर उसके अंदर का भीतर का इनपुट में भी दो वेरिएबल है, वन एम और एन, तो मतलब इसका भी अवकलन करना होगा, क्लियर है ना। जैसे लिखेंगे समझ में आएगा, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ क्या करना है, पहले को छोड़ना है और दूसरे का अवकलन करना है, लॉग एक्स कॉस एक्स, फिर क्या करना है, दूसरे को ऐसे ही छोड़ देना है और पहले का अवकलन कर लेना है। पहला क्या हमारे पास, x है, चलो ये तो आसान है, ठीक है। ध्यान देना यहीं पे, यहीं पे ध्यान देना है, पहले तो यह प्रोडक्ट बनाए m डॉट n का,
और एन हम पूरा का पूरा फंक्शन ये माने थे। अब फिर वही वाला सिस्टम यहाँ भी लागू होने वाला है, क्योंकि इसमें भी दो प्रोडक्ट इनपुट के साथ मल्टीप्लाई में हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ये लॉग इफेक्ट डालेगा और इसको मान लेगा कि यह मेरा पूरा का पूरा वेरिएबल है, और इस पूरे को ले आके नीचे रख देगा, क्योंकि लॉग एक्स बराबर वन अपॉन एक्स होता है। एक्स की जगह कुछ भी रहे यह ला के नीचे रखेगा, और अगर एक्स का इनपुट इसका इनपुट बिगड़ा होगा तो उसको बाद में मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, चैन रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यह हो जाएगा डी यू इज वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स, और ये देखो एक्स तो है, इसके साथ साथ एक्स कॉस एक्स नीचे आ गया कि नहीं आ गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम करेंगे एक्स कॉस एक्स का अवकलन, है ना, एक्स कॉस एक्स का क्या अवकलन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले को छोड़ दो फिर दूसरे का अवकलन, दिख रहा है ना बाबू, समझ में आना चाहिए। कॉस एक्स प्लस फिर कॉस एक्स को छोड़ दो, एक्स का अवकलन कर दो, समझ में आया बाबू। एक बार और स्टेप समझ लो, एक्स को छोड़े लॉग एक्स कॉस एक्स का अवकलन किए तो वन अपॉन कॉस एक्स हो गया। फिर ये जो एक्स एक्स कॉस एक्स है इसका भी तो श्रृंखला नियम के हिसाब से अवकलन करना पड़ेगा जस्ट इसके आगे मल्टीप्लाई में। तो अब जैसे ही मल्टीप्लाई करके इसका अवकलन करने का प्रयास किए तो यह दो वेरिएबल फिर मल्टीप्लाई में दिखा ना, दो दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में, तो जो भी इसका अवकलन होगा वो यही होने वाला होगा ना। तो यह जो है वो इसका अवकलन है चैन रूल के हिसाब से, क्लियर। और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बच जाने वाला होगा, लॉग एक्स कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स करेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स खत्म हो गया ना, वन आ गया। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, देखो एक्स से एक्स उड़ गया, क्या बचा वन अपॉन कॉस x, और यहाँ देखो d बाई डी एक्स करेंगे cos x तो हो जाएगा माइनस साइन x, और इधर इस x का करेंगे तो cos x, तो यहाँ क्या मिलेगा बाबू हमारा, माइनस x साइन x प्लस cos x, समझ में आया ना बाबू, माइनस x साइन x प्लस cos x, और इधर क्या हो जाएगा log x cos x, समझ में आया। चलो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यह जाके इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में ही तो है, तो ऊपर ऊपर लिख लेना है बस, और u की वैल्यू ला के ऊपर रख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ बाबू u की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, u की वैल्यू, u हमारा क्या माना है, x cos x के पावर x, तो डी यू बाई डी एक्स हमको क्या मिलेगा, इधर लिख लेते हैं क्योंकि इसका हमको क्या करना है, यूज़ भी करना है, ठीक है। डी यू बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, u उधर जाएगा तो u की वैल्यू उधर डायरेक्ट रख लेते हैं, तो इधर हो जाएगा x cos x के पावर x, है ना, और फिर मल्टीप्लाई में या देखो x sin x प्लस cos x अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस x sin x प्लस cos x अपॉन cos x, और फिर चलो इतना हो गया, प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, है ना, प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, ठीक है। यह हमारा क्या बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या बन गया बाबू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डी यू बाई डी एक्स हमको मिल गया, दिख रहा है डी यू बाई डी एक्स इतना बड़ा है, अब इसमें डी वी बाई डी एक्स कहाँ हटता है, इसलिए इसको अलग अलग करना है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जो ज़्यादा बड़े दिखें, जिसमें एक से अधिक या दो से अधिक या तीन से अधिक वेरिएबल दिखें, तो दोनों को अलग अलग कर लेना, ताकि करना थोड़ा सा कॉपी में आसान हो जाए, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गया, अब क्या करेंगे, इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, ये वाले फंक्शन का, ठीक है। तो वो अगले वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखते हैं उसका क्या होगा, और फिर क्या करेंगे बाबू, डी वाई बाई डी एक्स में डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स दोनों जोड़ देंगे, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स बना लेगा ना, समझ में आया। तो यहाँ देखो फिर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वी बाई डी एक्स, यहाँ देखो लॉग लेंगे, सॉरी पहले तो लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पावर चढ़ा हुआ है, ठीक है ना, वेरिएबल के पावर वेरिएबल चढ़ा हुआ है, तो दोनों पहले तो ये v बराबर x साइन x के पावर 1 अपॉन x दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग ले लो, इधर हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू 1 अपॉन x लॉग x साइन
बिल्कुल वही प्रोडक्ट बन रहा है ना, बिल्कुल वही बन रहा है। फिर इसका m मानना पड़ेगा, इसको n मानना पड़ेगा, इसके भीतर भी दो वेरिएबल आपस में m डॉट n मल्टीप्लाई में है ना। पहले को छोड़ो, दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर है ना। चलो तो ये हो जाएगा वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एम माने थे इसको, इसको टोटल को एन माने थे ना, ये पूरा का ये एम है और ये क्या है एन है। तो पहले को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को छोड़ेंगे पहले का अवकलन, ठीक है। तो यहाँ वन अपॉन एक्स छोड़ दिए, क्या करेंगे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स साइन एक्स दिख रहा है। इसके बाद फिर क्या करेंगे बाबू, प्लस करेंगे और इस दूसरे वाले को छोड़ देंगे, लॉग एक्स साइन एक्स को छोड़ देंगे और फिर प्लस क्या करेंगे इनटू, पहले को दूसरे को छोड़ देंगे पहले का अवकलन कर देंगे वन अपॉन एक्स, क्लियर। अब देखो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स तो छोड़ दिए हैं, एक्स साइन एक्स का अवकलन लॉग के बाद करना है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, इधर तो वन बाई वी डी वी बाई डी एक्स ही मिलने वाला है, इधर हो जाएगा वन अपॉन एक्स। देखो लॉग के साथ जो भी इनपुट हो वो ला के नीचे पटकता है, फिर उसके बाद अगर इनपुट बिगड़ा हो तो उसका भी अवकलन करना पड़ता है, यही कहानी है ना एम डॉट एन का प्रोडक्ट। अब देखो यह हो जाएगा वन अपॉन, पहले तो पूरा नीचे लेके चले आओ क्योंकि लॉग लगा हुआ है तो इफेक्ट डालेगा, और फिर उसके बाद इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो फिर क्या, x को छोड़ो साइन का अवकलन, समझ में आ रहा है बाबू, दूसरे पेन से लिख देते हैं ताकि यह समझ में आए, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, x लिखेंगे और d बाई डी एक्स साइन एक्स कर देंगे, फिर प्लस साइन एक्स लिखेंगे और d बाई डी एक्स एक्स कर देंगे, समझ में आया कि नहीं आया। और इसके बाद प्लस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, लॉग एक्स साइन एक्स और डी बाई डी एक्स वन अपॉन एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना होता है, एक्स स्क्वायर वन अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्लियर है ना। और एक्स स्क्वायर देख लो, वन अपॉन एक्स का जब अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स माइनस वन, और ये माइनस वन आगे आता है और ये हो जाता है माइनस टू, मतलब वन अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो यह वाला फंक्शन आगे आके इफेक्ट डालेगा, यहाँ पे क्या कर देगा माइनस, बात समझ में आ रही है, क्या कर देगा माइनस, ठीक है ना बाबू, क्लियर। इसके बाद क्या करते हैं, जो जो कट सकता है काटो, अभी तो अवकलन करना ही बाकी है ना, अवकलन करना ही बाकी है यहाँ पे। चलो तो पहले एक स्टेप और आगे लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स इंटू एक्स साइन एक्स, क्लियर। तो इसको क्या लिखेंगे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में एक्स और साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स, यहाँ पे चलो ऊपर ही लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि डी बाई डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा वन हो जाएगा, दिख रहा है ना बाबू, यह नीचे हो गया यह ऊपर हो गया, ठीक। आगे क्या करेंगे, माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब ये हमारा आ गया वन बाई वी डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू। तो बाबू वी की वैल्यू कितनी आएगी, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो डी वी बाई डी एक्स बराबर हमको क्या मिलेगा, यह वैल्यू ले आके रख लो, यह कितना है एक्स साइन एक्स के पावर वन अपॉन एक्स, और फिर ये क्या है एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और इधर हो जाएगा माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन, बात समझ में आया, एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स
स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमें मिल गया डी यू बाई डी एक्स, और क्या मिल गया डी वी बाई डी एक्स। हमको क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, क्या चाहिए बाबू डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर। तो उसके लिए क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, क्योंकि फंक्शन हमें किस में मिला हुआ है, ऐड करने में। तो यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, क्लियर। अब इसको लाके जोड़ लो तो अब फंक्शन लंबा चला जाएगा ना, लेकिन लिख लेते हैं एक्स कॉस एक्स का होल पावर एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, फिर यह ख़त्म हो गया। अब इसके बाद यह वाला फंक्शन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस एक्स साइन एक्स के पावर वन अपॉन एक्स एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, समझ में आए। इतना लंबा आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स का, क्लियर। डी वाई बाई डी एक्स का यह हमारा टोटल क्या हो जाएगा आंसर, समझ में आया कि नहीं है बाबू, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, समझ में आया। यहाँ तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, आज 5.5 का 11 नंबर तक क्वेश्चन क्या कर लिए सॉल्व। यह सब क्वेश्चन एक ही टाइप का था, लेकिन आगे के क्वेश्चन थोड़े थोड़े बड़े थे, है ना, करना थोड़ा सा देखने में कठिन लग रहा होगा, देखने में ये सब क्वेश्चन लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, लेकिन बाबू जब आप लोग कॉपी पेन उठा के करोगे तो ये सब क्वेश्चन एक लाइन से चलते चला जाएगा, सब पीछे वाला ही क्वेश्चन का यूज़ है, बड़े लंबा जाए, है ना, समझ में आया। चलो ठीक है, इसके बाद बाबू अगला एक्सरसाइज अगले लेक्चर में, मतलब इसी एक्सरसाइज को अगला टाइप शुरू है, 12 से क्वेश्चन नंबर 12 से टाइप अलग शुरू है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।